Hey, what's up guys? This is Yash Anand back again with another video. So guys, जैसा आप सभी लोगों को पता है कि मैंने क्वारंटाइन की होम वर्कआउट सीरीज अपलोड करी है पूरी, मैंने जिसमें सारे बॉडी पार्ट्स को कवर किया हुआ है जिससे आप घर पे ट्रेन कर सकते हैं। तो मेरे पास काफ़ी क्वेश्चन आ रहे थे कि भाई यार हम लोग ट्रेन तो कर ले रहे हैं बट हमें समझ में नहीं आ रहा है किस दिन कौन सा बॉडी पार्ट ट्रेन करना है और किस दिन कितने मसल ट्रेन करने हैं। तो गाइस, मैं आपको पूरा वीक का शेड्यूल बताने वाला हूँ जिस तरीके से मैं ट्रेन कर रहा हूँ। तो आप एक कॉपी पेन ले सकते हैं या फिर इस वीडियो को सेव कर लीजिए जिससे आप पूरा वीक का शेड्यूल आप प्लान कर पाएँ। तो वॉच दिस वीडियो टिल द एंड, वी विल बी बैक। जैसा आप सभी लोगों को पता है कि मैंने चेस्ट, शोल्डर, ट्राइसेप्स, बैक, ट्रैप्स, लेग्स, काफ्स, एब्स सारे चीज़ों के बॉडी वर्कआउट मैंने अपलोड कर दिए हैं जिसमें आप घर पे बैग वगैरह से वर्कआउट कर सकते हैं। सो गाइस, आपको स्टार्ट कैसे करना है जैसे मैं कर रहा हूँ, आप मंडे के दिन आप कर सकते हैं अपने लेग्स के साथ में आप काफ्स ट्रेन करेंगे। लेग्स से जितने मैंने आपको एक्सरसाइज दिखाए हैं उनकी कम से कम आप चार चार सेट्स कीजिए और आप फेलियर तक जाएं कुछ कुछ एक्सरसाइज में जो मैंने वीडियो में बताया है उसी तरीके से लेग्स एंड काफ्स करने हैं उस दिन आपको, साथ में ट्राइसेप्स करने हैं जितनी मैंने एक्सरसाइज दिखाई हुई है। जब नेक्स्ट डे ट्यूसडे पर आएंगे, ट्यूसडे पे आपको ट्रेन करना है आपका चेस्ट एंड शोल्डर, केवल दो मसल्स चेस्ट एंड शोल्डर ट्रेन करेंगे आप बहुत अच्छे तरीके से। जब थर्ड डे पर आएंगे आपका वेडनेसडे आएगा, वेडनेसडे पर आप ट्रेन करेंगे आपके बैक, ट्रैप्स और आपके बाइसेप्स। आप इस तरीके से आएंगे कि आप ट्रैप से होते हुए आपकी बैक पर आएंगे, बैक, लोअर बैक, देन उसके बाद आप आएंगे बाइसेप्स पर। और इसी तरीके से आपका जो नेक्स्ट थर्सडे रहेगा सेम आपके लेग वर्कआउट पे आ जाएगा, लेग, काल्स एंड ट्राइसेप्स। उसके बाद जो फ्राइडे रहेगा, फ्राइडे में आप करेंगे आपके चेस्ट, शोल्डर एंड उसके बाद आप करेंगे भाई बैक, ट्रैप्स एंड बाइसेप्स। इस तरीके से आप दो बार आप ट्रेन करेंगे हर मसल को। जो लोग बिल्कुल बिगिनर हैं, जो लोग अभी स्टार्ट कर रहे हैं वर्कआउट, वो लोग दो वर्कआउट नहीं करें। आप अगर बिल्कुल फर्स्ट टाइम करने वाले हैं, जस्ट बिकॉज आपने सोचा है कि क्वारंटाइन है, कोरोना के चक्कर में हम लोग घर पे हैं, आप तब स्टार्ट कर रहे हैं, तो आप लोग एक दिन में एक मसल ट्रेन कीजिए। आप फर्स्ट डे कर सकते हैं चेस्ट, सेकेंड डे आप बैक, थर्ड डे बाइसेप्स, ट्राइसेप्स, दो मसल्स करेंगे। उसके बाद आप करेंगे आपके लेग्स एंड काफ्स, उसके बाद आप करेंगे आपके शोल्डर और इस तरीके से आप एक एक जो भी जितने भी आपके बॉडी वर्कआउट्स हैं आप उसी तरीके से आप एक एक दिन आप डिवाइड कर लीजिए। जो एब्स वाला रहेगा आपका सीन, जो दो बार हम ट्रेन कर रहे हैं मसल्स को, आप वीक में दो बार एब्स ट्रेन करेंगे। चाहे आप मंडे अगर चुन रहे हैं तो आप नेक्स्ट जो एब्स ट्रेन करेंगे वो थर्सडे को करेंगे। अगर आप ट्यूसडे चुन रहे हैं एब्स करने के लिए तो आप नेक्स्ट एब्स जो ट्रेन करेंगे वो फ्राइडे को करेंगे। अगर आप थर्सडे वेडनेसडे चुन रहे हैं तो आप सैटरडे को करेंगे। ध्यान रखना है आपको जो एब्स वर्कआउट करना है वो आपके वर्कआउट के बाद करना है। जैसे आपने कोई भी वर्कआउट कर रहे हैं, मान लीजिए आप बैक कर रहे हैं, बाइसेप्स कर रहे हैं, चेस्ट कर रहे हैं, लेग्स कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, आपका ये वर्कआउट फिनिश हुआ उसके बाद आप एब्स वर्कआउट करेंगे और उसके बाद आपका वर्कआउट फिनिश। तो इस तरीके से आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं आपका वर्कआउट। जो मैंने फर्स्ट वाला बताया, जो वीक में मैं दो बार ट्रेन कर रहा हूँ हर मसल को, वो मैं कर रहा हूँ और आप भी कर सकते हैं। अगर आप 3-4 महीने 6 महीने भी जिम गए हैं और आपका जिम बंद हो गया तो आप मज़े से करें वर्कआउट, इंटेंस करें। मुझे ऑलमोस्ट 2-2.5 घंटे, कई बार 3 घंटे भी लग जाते हैं वर्कआउट करने में और तभी ज़्यादा मज़ा आता है, क्योंकि मेरे को 1 घंटे फील नहीं आता है। जिम में भले हमें आ जाता था क्योंकि हमारे पास मशीन्स होती थी, अच्छे वेट्स होते थे, बट यहाँ पर आपको बहुत इंटेंस लेवल पर ले जाना पड़ेगा, तब आपको वो फील आएगा मसल में, तब आपको बर्न फील होगा, तभी आपको मज़ा आएगा। तो इस तरीके से आप अपना कस्टमाइज़ कर सकते हैं। आप पेन पेपर लेके लिख लेना अच्छे से और इस तरीके से वर्कआउट करना। बाकी कोई भी प्रॉब्लम आए किसी वर्कआउट को लेकर तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना या फिर इंस्टाग्राम पर मैसेज कर देना। मैं ट्राई करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रिप्लाई कर पाऊँ, क्योंकि काफ़ी लोग के मैसेज आ जाते हैं, गाली दे देते हैं कई लोग की, गाली देकर कि तू रिप्लाई नहीं कर रहा, वैसे तो बोल देता है। गाइस, आई एम ट्राइंग कि मैं सबको रिप्लाई करूँ, बहुत कई बार मुश्किल हो जाता है हर किसी को रिप्लाई करना, बट आई एम ट्राइंग कि मैं हर किसी को रिप्लाई कर दूँ। सो अगर वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करना, कोई भी प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना या फिर इंस्टाग्राम पर बता देना, यश आनंद यूज़र नेम है। एंड अगर इस वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, क्योंकि मुझे मोटिवेशन मिलता है लाइक से कि आप लोगों को सच में पसंद आ रही है और मैं और वीडियो बनाऊंगा इस तरीके की। सो गाइस, एंड सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो रेड कलर के बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ उस बेल आइकन में जरूर क्लिक कर दें जिससे कोई वीडियो मिस नहीं करेंगे। घर पर रहें, सेफ रहें, लव यू ऑल, पीस।